अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है थोड़ा सिंपल सा है। तो आज के व्लॉग में हम कर रहे हैं रात को बारबेक्यू। तो उसका मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, उसका जो गोश्त लेना है उसको मैरिनेट करना, ईच एंड एवरीथिंग। तो आगे जो व्लॉग है उसमें आप थोड़ी सी चेंज एक नोटिस करेंगे। वो चेंज ये है कि मैंने अभी यहाँ पे बियर्ड मेरी हल्की है, लेकिन आगे व्लॉग में जाके वो हैवी हुई हुई है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं अक्सर जो इंट्रोज होते हैं वो बाद में शूट करता हूँ। पहले व्लॉग सारा शूट हो गया, इंट्रो बाद में शूट होता है। तो इस वजह से मैंने उसको सारा सेट कर लिया। मैंने कहा चले कोई नहीं, खैर बता देंगे। तो ये सीन है। तो चलते हैं जी, आज का व्लॉग आगे शुरू करते हैं। तो चलें जी, अब मैं जा रहा हूँ लैम्ब और चिकन लेने, जो कि मुझे चाहिए होगा बारबेक्यू के लिए। तो पहले वो ले लेते हैं। तो उसके बाद मुझे जाना होगा जी बाल कटाने जाना होगा, और थोड़ी सी बियर्ड की ट्रिमिंग भी करानी होगी। तो पहले चिकन लेते हैं ना, वो पहले घर ड्रॉप कर दूँ, उसके बाद फिर आगे जाएंगे मैं बाल कटाने के लिए। हाँ तो भाई साहब, मैं अभी जा रहा हूँ जी बाल कटाने। तो मैंने जो गोश्त लेना था वो सारा गोश्त ले लिया, तो मैंने घर ड्रॉप कर दिया। तो उसके साथ कोयले भी लाजमी लेने थे, तो वो भी ख़त्म हुए हुए थे बारबेक्यू के लिए, वो भी ज़रूरी थे, तो वो भी मैंने ले लिए। तो सारे तू पहले लग जा यार, वो भी मैंने ड्रॉप कर दिया। अभी यार यहाँ पर हवा बहुत तेज़ है, तो आपको आवाज़ भी थोड़ी कम आ रही होगी, लेकिन गुजारा करें इसी के साथ। तो मैं अब आगे चल के आपको मज़ीद दिखाता हूँ। तो हाँ जी गाइस, मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। तो मैंने देखा कि शॉप बंद हुई हुई है, मुझे इस बात का नहीं पता था, शायद सैटरडे संडे ये लोग शॉप बंद रखते हैं, आज संडे है। तो मेरे जहन में बिल्कुल ये बात नहीं थी। तो खैर मेरे को कहते हैं ना, दिल के अरमास हुए रह गए बह गए, तो मेरे साथ तो वो सीन हो गया। तो अभी चलते हैं, आप आगे देखते हैं कि जो उसका जो मीट लेके गए हैं उसको मैरिनेट कर रहे हैं अभी सारा। तो वो करते हैं। अब ये तो हमारा काम एक अधूरा रह गया, अब ये तो कल पे पोस्टपोन्ड हो गया। तो मैंने कहा ये अगर कटिंग हो जाती तो मैं ये व्लॉग में शो कर रहा था, लेकिन वो नहीं हो सका आज। तो मेरे ख्याल में अब आगे चला जाए, इसका जो अगला स्टेप है वो उसमें जिसमें आपको सारा वो दिखाना है। तो चलते हैं आगे। हाँ जी गाइस, तो ये मीट रेडी है, चिकन, और ये चांपे रेडी हैं। तो ये मैं पापा और चाचू बहुत शौक से खाते हैं, तो उन्होंने कहा अभी इस दफ़ा साथ चांपे भी करेंगे। तो ये फ़िलहाल मीट रेडी है, मसाले रेडी हो रहे हैं, तो फिर उनको करते हैं जी इसको मैरिनेट किया जाता है, सब को किया जाता है यार, क्या भी मैरिनेट करते हैं इसको, चिकन को भी और चांपों को भी, फिर आपको दिखाएंगे। ये सामने विंडो है, तो एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमारी बारबेक्यू करने की जगह का क्या होगी, कहाँ कौन सी होगी। ये है जी जगह बारबेक्यू करने वाली। तो ये ग्रिल है, इसके ऊपर हमने कवर किया हुआ था क्योंकि बारिश हो रही है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बैक यार्ड है, तो इसको कवर किया हुआ था, साथ ये एक चेयर पड़ी हुई है, इसको भी अब सारा सिस्टम सही करेंगे, पानी खड़ा हुआ सारा, तो ताकि ये सारा इसका सिस्टम ठीक हो सके। ये ग्रिल रही, तो यही अब जगह, अब इसको हम आपको दिखाएंगे जब मैरिनेट हो चुका होगा और जब रेडी टू कुक होगा तब दिखाएंगे। तो हाँ जी गाइस, मैं अभी अपने कमरे में आ चुका हूँ, तो मैंने कहा थोड़ी रेस्ट कर लूँ। और नीचे सारा मीट आपको दिखाया, उसके बाद जो लोकेशन है जहाँ पे बारबेक्यू करना है वो आपको दिखाई, तो वो सारी एक किस्म की रेडी है, तो इतना उसका इशू नहीं है। मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर आऊँ, पढ़ चढ़ लेता हूँ थोड़ी देर, तो थोड़ी गेमिंग कर ली जाए, तो वो भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं बहुत। तो इन दिनों गेमिंग कम ही करूँ, उसकी वजह पे ही मैं थोड़ा बिजी हूँ पढ़ाई की वजह से, तो बस यही सीन चल रहे हैं मेरे। तो अब आगे मूव ऑन करते हैं। तो हाँ जी गाइज, मूव ऑन करने से पहले मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरे कुछ दिन पहले मेरे जो ईयरबड्स थे बर्ड्स लाइव, वो गिरे जी नीचे, और उनका जो क्लोजिंग होता है मैग्नेटिक क्लोजिंग, वो होगी ख़राब। उसकी वजह ये कि वो जब नीचे गिरे तो उधर एक मैग्नेट होता है उनकी क्लोजिंग की जगह, वो उसका हिल गया। तो यकीन माने इतनी टेंशन बनी, और उसकी वो क्लोजिंग आप देखें वो किस तरह ख़राब होगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं जी,
ये इसकी जो ओपनिंग थी इस तरह ऊपर हो जाती थी, जब इसको हम इस तरह बंद करते थे तो कंप्लीट बंद नहीं होता था, थोड़ा सा ऊपर हो जाता था। तो ये एक प्रॉपर वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने एक दोस्त को भेजी थी, तो मैंने कहा चलें ये क्लिप इसमें इंक्लूड कर देता हूँ, ये एक मतलब आ गया मेरे पास। तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर वीडियो नहीं है, तो ये इस तरह इसकी ओपनिंग जो थी वो ख़राब हो चुकी थी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इस तरह इनकी क्लोजिंग ख़राब हो चुकी थी बिल्कुल। वो मैग्नेट जो था वो हिल चुका था, इस वजह से वो प्रॉपर बंद नहीं हो रहे थे। टिक वाली वो जो आवाज़ होती वो नहीं आ रही थी। लेकिन अब वो मैंने जब चाचू को दिए, चाचू ने कहा भी यार चेक तो करता हूँ इसको होगा क्या। तो मैंने कहा भी चेक करें, इतनी यकीन माने टेंशन बनी हुई थी। मैंने कहा भी यार मतलब मेरा सेट ख़राब हो गया, ये पूरा इतना मैंने बेहतरीन सेट लिया था तो ख़राब हो गया। तो चाचू ने चेक किया तो उसको उधर से लिड खोली, लिड के अंदर से वो मैग्नेट वो उधर से हिला हुआ था। वो मैग्नेट उसकी अपनी जगह पे उन्होंने प्लेस कर दिया, फिर परफेक्टली वर्किंग में आ गए। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये इनकी बिल्कुल ओपनिंग भी बिल्कुल बेहतरीन है। यहाँ पे मैग्नेट था इसकी बैक साइड पे, ये लिड खोली इसकी बैक साइड पे मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट उन्होंने उसकी जगह पे प्लेस किया तो ये बिल्कुल फिर उसी तरह परफेक्टली वर्किंग में आ गई, जैसे तरह के आप देख सकते हैं। अब कोई गैप नहीं रहा। तो ये मैंने केस भी उसी दौरान मंगा लिया था, मैंने कहा ये काश पहले लगा लेता तो इसका ये नहीं हाल होता, लेकिन अब बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग में आ चुके हैं। तो अब चलें जी आगे मूव ऑन करते हैं। तो हाँ जी गाइस, अभी मैंने पढ़ाई भी कर ली तो थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर ली जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। तो अब टाइम जो हो रहा है वो है जी 6:34। तो बाहर बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, तो चलते हैं जी नीचे और दिखाते हैं आपको मज़ीद जो सारी सेटिंग करनी है। मैं जो मीट है वो सारा रेडी है और बस उसको अब ग्रिल करना है, जिसका एक किस्म का बेसब्री से इंतज़ार है मुझे। तो चलते हैं अब आगे। चलें जी, हाय 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 हाय, रेडी हो गया ही है जी हर चीज़, दोनों मीट रेडी हैं। चलते हैं जी बाहर और बाहर के सीन्स दिखाते हैं जी आपको। चेयर, कोयले और ये रही जी ग्रिल, इसके ऊपर एक और लेयर आएगी तो वो साफ़ हो रही है। तो इसके ऊपर पहले कोयले रखेंगे, उसके ऊपर दूसरी लेयर आएगी ग्रिल की, तो फिर होगा। तो ये सीन्स हैं, तो एक दफ़ा इसको थोड़ा सा सेटअप करते हैं, रेडी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी शुरू करते हैं, लगाएं आग। बस जी अब इसको आग लगा दी गई है, तो अब थोड़ा सा टाइम लेगा फुली ब्लोन अप होने में। 12 प्रो मैक्स। तो यहाँ पर शुरू हो चुका है जी हमारा बारबेक्यू। ओ भाई साहेब, बहुत आड़ बहुत आड़। वाह भाई वाह। भाई साहब हाँ जी गाइस, तो अभी आप लोगों ने देखा कि सारा मतलब जो मैंने सिस्टम अरेंज किया था मीट लाने से लेकर मैरिनेट करने तक, फिर मैरिनेट करके उसको सारा ग्रिल को सेट किया, वहाँ बाहर जो हमने रखे उसको दो बाउल्स, बड़े बड़े बाउल्स रखे तो उसके अंदर सारा मीट था, वो मैंने अभी आपको सारा दिखाया। तो अभी मैं वो एक शॉट ले रहा था तो पीछे से पापा आ गए, मुझे पता नहीं चला। तो आके कहती है भाई वाह जी वाह, मेरा एकदम से ना मैं हो गया, मैंने कहा पापा आ गया। मैंने उधर ही कैमरा स्विच कर दिया। वैसे मैं इस मामले में टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ, मैं बहुत डरता हूँ पापा से कि मतलब मैं उनके सामने मेरे से कैमरे में नहीं बोलने होता, बिल्कुल भी नहीं बोलने होता। तो मैंने एकदम कैमरा स्विच किया तो फिर वो बोले, मैंने कहा चले ठीक है, ये एक मेरे ख्याल में बेस्ट शॉट हो गई है या पता नहीं कैसी हुई, कमेंट्स में बता दे। तो बस यही सीन था। तो अब आगे आपको थोड़ा सा और दिखा देते हैं, चलिए। तो हाँ जी गाइस, ये देखे जी वो ऊपर तैयार हुए हुए पड़े हुए हैं,
और ये अब साथ एक और क्या कहते हैं, मतलब ये दूसरा टर्न है, दूसरी टर्न हो रही है। और ये जो आप चाचू रख रहे हैं ये है जी लैम्ब, जो कि मुझे बिल्कुल ही अच्छी लगती। तो लैम्ब की बनी हुई चॉम्प्स, तो ये चीज़ है जी, मैं तो सिर्फ चिकन खाऊंगा। तो ये लोग खाएंगे जी ये चॉप्स, उफ वैसे भाई साहब मज़े आ गए। तो ये सीन है जी, अभी आगे चल के आपको मज़ीद दिखाएंगे कि इसकी तबाही में कैसे कर दो। तो स्टे ट्यून्ड तब तक। अच्छा चाचू जान, और थोड़ा रख देना, चिकन भी रख देना, लगता है सारी ये लैम चॉप सी रखने हैं यहाँ पे। तो यार मेरे से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा, तो इसको पहले मैं चेक कर लूँ। उफ, बहुत हार्ड, बहुत हार्ड, माशाल्लाह। माशाल्लाह चाचू जान, आपके हाथ में बड़ा अच्छे वाला टेस्ट है, माशाल्लाह। थैंक यू। उनको भी दिखा दें यार, इंशाल्लाह पाकिस्तान भी ये बनाएंगे एक दफा। जरूर पाकिस्तान में जरूर करेंगे। उफ गरम, अमेजिंग। अमेजिंग। तो चेक करके मैं फिर वापस आया हूँ। तो अब मेरा दिल और एक कर रहा है कि लैम चॉम्स को भी चेक किया जाए, हालांकि मुझे ये अच्छे तो नहीं लगते। मतलब ये नहीं कि इनकी कुकिंग अच्छी नहीं होती या मतलब कुछ और वजह है, बस वैसे पसंद होती है हर बंदे की। मुझे ये बिल्कुल, मुझे नहीं अच्छे लगते बिल्कुल, जैसे भी समझे। तो ये मुझे नहीं अच्छे लगते। तो ये सीन्स हमारे चल रहे हैं जी, तो मेरे ख्याल में इसको भी चेक कर लिया जाए। लैम चॉप्स को मैंने कहा भी चेक कर लूं, तो वाह जी वाह, बहुत आउट यार सच में, चाचू के हाथ में तो अनोखे लेवल का टेस्ट है। सही बात है, बना बहुत अच्छा है, लेकिन इससे ज्यादा मैं नहीं खा सकता। तो हम इसको वापस इधर ही रख देंगे, और बहुत अच्छा बना है चाचू जान, मजा आ गया यार। मजा आ गया। तो अभी आप लेके चले अंदर खाना और इसकी शुरू तबाही करें। निकाले। इसकी तबाही निकाले, यही अब होगा। चले जी अब अंदर चलते हैं, ठीक दोबारा। और तो चले जी अब अंदर चलते हैं, अब इस और इसकी तबाही निकालते हैं सारी। हाँ जी गाइस, तो ये रहा जी, टेबल रेडी हो चुका है पूरा कंप्लीट। ये हम एक बाउल भर के बाहर ले आए हैं, और अंदर ले आए हैं, सॉरी बाहर नहीं। तो ये चिली, चिली सॉस, चटनी, जलपिनोज, सब कुछ भाई साहब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो मिलते हैं जी अब इसके बाद आखिरी और फाइनल शॉट में। तो हाँ जी गाइज, ये रहा जी आज का ब्लॉग, जिसमें मैंने आपको सारा कुछ बताया आज के दिन के बारे में, जो जो तैयारियां की, इसके बाद कैसे हमने ग्रिल वायर किया। तो ये सब कुछ था जी आज का सीन। तो बेसिकली अभी हम उठे हैं सारे, तो डाइनिंग टेबल से मैंने कहा एक दफ़ा इसका लास्ट शॉट ले लीजिए, और आखिर में कश्मीरी चाय एंजॉय की है। उफ यार बहुत एंड लेवल थी वो भी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म, मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दें, पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।